Samadhan, Samadhan, Samadhan. Samadhan, Samadhan, Samadhan. Samasya se ubharna अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत दूरियां दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान कहता है ये समाधान समाधान नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मित्रों स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों सृष्टि की उत्पत्ति इसका विकास या फिर आने वाली सृष्टि और कैसी होगी महाविनाश की चर्चा भी होती है जो धर्मशास्त्रों में भी है और साथ ही साथ विज्ञान भी कई बार इस विषय पर बहुत गहराई से अपने विचार रखता है उद्भव भी कैसे हुआ या फिर ये विनाश की ओर भी कैसे बढ़ रहा है आए दिन आप इन चीज़ों को देखते होंगे सुनते होंगे भविष्यवाणियां भी होती रहती हैं और हम सबके जहन में भी ये बात रहती है मन में रहता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितनी सत्यता है या कितनी असत्यता है। कल भी हम इस विषय की चर्चा कर रहे थे आदरणीय गीता दीदी से कि संसार का क्या होगा भविष्य क्या है कई धर्मशास्त्रों में विनाश की चर्चा है और कईयों में नहीं है तो हमारे एक दर्शक ने आपके बीच से ही ये प्रश्न हम तक प्रेषित किया था। आइए आदरणीय गीता दीदी जी पुनः हमारे साथ हैं उनका अभिनंदन करते हैं और साथ ही इस विषय की और गहराई पर चलते हैं कि सचमुच आने वाला समय कैसा होगा। दीदी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। सभी के जेहन में दीदी ये प्रश्न तो रहता ही है कि क्या होगा। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी विज्ञान भी कह रहा है धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि विनाश होता है यदि होता है तो क्या इसकी कोई डेट भी फिक्स है। विश्व के विनाश की बात छोड़िए किस इंसान को पता है कि उनका अपना जीवन समाप्त कब हो जाएगा पता है बिल्कुल नहीं। तो इस संसार खेल की ये विशेषता है कि जो कुछ होना है वो यहाँ अचानक होना है उनके बेशक पूर्व संकेत होते हैं। आज बरसात होनी है तो बादल मंडराने लगते हैं वातावरण बदल जाता है जी। हवा बदल जाती है तो हमें लगता है कि अब बारिश होगी सुबह उगती है तो हमें आकाश में लालिमा छाने लगती है पंछी उड़ने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि अब सूर्योदय हो रहा है सूर्यास्त होता है तो भी संध्या के रंग देखने को मिलते हैं तो हर परिवर्तन अपना पूर्व संकेत देता है। तो इस प्रकार आज जिस प्रकार की धर्मग्लानी के चिन्ह हम देख रहे हैं महाविनाश के जो परिस्थितियां देख रहे हैं तो वो हमें संकेत देते हैं कि अब ये संसार कोई महापरिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये विवेक से समझने की बातें हैं कब होगा एग्जैक्टली कब होगा कौन से दिन होगा कितने बजे होगा हमें इसमें जाने के बजाय
ये होगा इस बात को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अभी जो समय बाकी रहा हुआ है हमारे पास, जितना भी, हम अपने आप को ऐसा तैयार कर दें आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ताकि ये विनाशकारी परिस्थितियाँ हमें डराए नहीं, हम चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, पर बड़ी स्वस्थता और संतुलितता के साथ हम इन परिस्थितियों को पार कर सकें। कई बार ऐसी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं और जब वो चीज़ें नहीं हुई तो व्यक्ति के मन में ये प्रश्न रहता ही है कि अब भी जो बात कही जा रही है वो भी शायद ऐसी ही कोरी या झूठी ना हो। हो सकता है संकेत तो दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार बादल दिखते हैं लेकिन बरसात नहीं होती है, ऐसा भी तो हो जाता है। लेकिन देखो, परमात्मा जो हमें यहाँ सत्य ज्ञान देते हैं और वो जो महापरिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि आप पूरे संसार के खेल को देखिए कि यहाँ जो चीज़ बनती है वो धीरे धीरे बिगड़ती है और ख़त्म होती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है, इस प्रकृति जगत का ये नियम है कि आप चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रकृति से बनती हैं और ये परिवर्तन को पाकर के आखिर पुरानी जर्जरीभूत होकर ख़त्म होती हैं। तो ये तो प्रतिदिन का खेल हम देखते हैं, सुबह होती है फिर शाम होती है, रात होती है फिर वापस सुबह होती है। ये एक ऐसा साइक्लिकल ऑर्डर है कि जो चल ही रहा है, दिन रात के रूप में बदलता है, मौसम के रूप में बदलता है। तो टोटली संसार खेल स्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है। इसलिए कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। हर क्षण परिवर्तन होता है और हर परिवर्तन में शक्ति खर्च होती है। कोई भी चेंज ऐसे ही नहीं आता है, उसके पीछे शक्ति खर्च होती है और वो शक्ति खर्च होते 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 धीरे धीरे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और तब वो चीज़ महाविनाश को प्राप्त होती है। फिर भी व्यक्ति के मन में एक रहता है कि यदि मुझे वक्त का थोड़ा पता चल जाए, आपने तो कहा कि कल मेरे साथ क्या होगा वो भी नहीं पता, फिर भी मनुष्य एक आशा और उम्मीद लेके चलता है, एक स्थायी चीज़ का जब पता चल जाता है तो उसके अनुसार वो प्लान करता है कि मान लीजिए मेरे पास 5 साल है या 10 साल है, तब इस 5-10 साल में मैं क्या क्या करूँ। तो यदि ऐसा कुछ संकेत, ऐसी कोई बात व्यक्ति सोचता तो ज़रूर है कि पता चल जाए ताकि मैं कुछ करना हो तो शुरू करूं। मतलब हम विवेक के आधार से कुछ अच्छा करना या अच्छा बनना नहीं चाहते हैं, परिस्थितियों के आधार पर ही हम बनना चाहते हैं। आज आध्यात्मिकता जो हमें सिखाती है या महाविनाश का संकेत दे कर के परमात्मा जो हम आत्माओं को सिखाना चाहते हैं, वो तो स्वयं का परिवर्तन है कि हम अपने आप को इतना तैयार कर दें ताकि हमें परिस्थितियां लगे ही नहीं, हम सहज ही इसको पार कर सके। इसलिए हम समय के आधार पर स्वयं का परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? जो चीज़ें आज महाविनाश होना है ये कहकर हमें अपने अंदर वो क्षमताएं ही तो लानी है ना, वो शक्तियां ही तो भरनी है ना, ताकि वो परिस्थितियां हमें परेशान न करें। हम स्वस्थता से साक्षी होकर, न्यारे होकर और एक सहनशीलता के साथ, शांति की एक मनोस्थिति के साथ हम इस परिवर्तन के साक्षी बन सके। जी जी जी, तो ये चीजें तो जीवन में हमें धारण करनी ही है ना। आज आज हर एक को पता है कि वे मृत्यु होनी ही है, तो व्यक्ति अगर वो चीज बुद्धि में रखता है तो अपने आप को न्यारा रखेगा, साक्षी रखेगा, सब कुछ करते हुए भी निमित भाव रखेगा, मैंपन नहीं लाएगा, मेरापन नहीं लाएगा। तो जब कभी भी वो क्षण सामने आएगी तो उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई भय नहीं लगेगा। जी जी जी, तो जीवन के जो मूलभूत सत्य है हमें स्वयं की समझ और विवेक से धारण करना है, न कि परिस्थितियों से मजबूर होकर के धारण करना। जी 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 जी, ये तो सुंदर सी आपने बात कही कि हम अपने विवेक को जागृत करें और उसके आधार पे अपना कोई निर्णय लें, समय को आधार ना बनाएं।
यदि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो आगे क्या, सृष्टि का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, सब कुछ नील हो जाएगा या कुछ बचेगा, या भविष्य क्या होगा फिर संसार का? तो भय इसलिए लग रहा है ना कि संपूर्ण खत्म हो जाएगा, नाम शेष हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं, ये प्रक्रिया ऐसी है कि एक में से ही दूसरी निकलती। जैसे वृद्धत्व के अंत में ही बचपन का उदय होता है ना, इसी प्रकार जो ये संसार का खेल है, महाविनाश के अंदर से ही फिर नई दुनिया का वापस उदय होगा। उस नई दुनिया की, जैसे गुलामी के अंधकार में से ही स्वतंत्रता की किरणें उठी, क्योंकि गुलामी के अंधकार में सोई हुई, जकड़ी हुई आत्माओं में से ही कुछ जागे जिन्होंने गुलामी की महसूसता की और स्वतंत्रता का महत्व समझा, तो उन्होंने वो जागृति लाई और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने तैयारी की और फिर वो स्वतंत्रता आई। सेम चीज है कलयुगी दुनिया के मानवों में से ही जो विवेकशील आत्माएं हैं, जो इस परिवर्तन को पहले से भांप लेते हैं और वो जाग जाते हैं और अब आने वाले नए समय के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और वो आत्माएं ही फिर नए युग के लिए निमित्त बनती है। आज नए स्वतंत्र भारत देश को चलाने का निमित्त कौन बने? वही बने ना जिन्होंने गुलामी के समय गुलामी आजादी के लिए नेतृत्व किया, तो वो आजाद भारत देश के नेता बने। इसी प्रकार इस कलयुगी दुनिया के वातावरण में रहते हुए जिन्होंने समझ और विवेक से पहचान लिया कि इस जीवन में कोई फायदा नहीं है, आत्मा का स्थाई कल्याण किसमें है, सच्चा शांति और सुख किसमें है, ये जिन्होंने पहले भांप लिया, वो अपनी तैयारी करने में लग गए और वो योग्य बन के नई दुनिया लाने के निमित्त बनते हैं। तो इस भारी जो एक परिवर्तन का दौर आने वाला है, तो वर्तमान समय फिर आत्माओं को क्या करना चाहिए, क्या मैसेज आप देंगे, या क्या विवेक, आपका विवेक क्या कहता है, या लोगों को विवेक सम्मत तौर पे जीवन को कैसे जीना चाहिए? मैंने हमें वर्तमान समय का निरीक्षण करके इस सत्य को समझना चाहिए कि आज जो भी दुख शांति है, लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध है, आपसी अनबन है, मनमुटाव है, टोटल विश्व के वातावरण में हम जो कुछ देख रहे हैं, उसका कारण हमारी अपनी मनोविकृतियां हैं, और उसके सामने सच्चे सुख और शांति का आधार वो आध्यात्मिक ज्ञान और सद्गुण है। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करने का अभी से लक्ष्य बना लें और अपने आप को बुराइयों का शिकार होने से बचाएं, तो हमारे अपने गुण और हमारी अपनी शक्तियां ही हमें स्वस्थता प्रदान करती हैं। फिर ये परिवर्तन की प्रक्रिया में से जब हम पास होंगे, तो हमें भय नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा और हमें मुश्किल नहीं महसूस होगा, पर हम बहुत स्वस्थता से उसको पार कर सकेंगे और नई दुनिया के उदय का आनंद ले सकेंगे। तो समय को पहचान कर स्वयं को बदलना है, अपने आप में संयम धारण करना है और उस अविनाशी पिता को अपना साथी और सहारा बना लेना है, ताकि ये परिस्थितियां हम पर हावी ना हो, पर हम अपनी स्वस्थ स्थिति के प्रभाव से, वाइब्रेशन से, हम दूसरी आत्माओं को भी शांति और सुख और शक्ति का एहसास करा सकें। जी जी दीदी, एक डॉक्टर जब ये कह देता है कि आपके पास 6 महीने या 1 साल का वक्त है, तो व्यक्ति फिर अपने आप को ईश्वर के ध्यान में, इन सब कार्यों में लगाने लगता है, बाकी सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेता है। तो क्या ये कहा जाए कि लोग जो कर रहे हैं, अब वहाँ से अपना ध्यान हटा के आध्यात्म की ओर बढ़ें, ईश्वर पे ध्यान लगाएं? जैसे मैंने कहा कि कोई मकान जर्जरी भूत हो जाता है, टूट पड़े ऐसा हो जाता है, तो इंसान ये राह नहीं देखता है कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, कितने मिनट पर टूटेगा, बल्कि एक समझदार इंसान नए मकान के प्रबंध में समय लगाता है, वहां ध्यान लगाता है जी।
तो हमें ये दुनिया भी इतनी सड़ गई है, खत्म होने वाली है, ये सत्य समझ में आ जाता है, तो अब हमें कैसी दुनिया चाहिए? यदि कई बार लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी अन्य जिम्मेवारियों को छोड़ देते हैं कि अब तो ये होने वाला है तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है, हम तो अब अपना ध्यान जो है बस या तो ईश्वर की ओर लगाएं या फिर जिस तैयारी की बात आप कर रहे हैं उस तैयारी में लग जाएं, तो क्या ये सही होगा? देखो, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये चीज नहीं सिखाई जाती। हमें तो यहाँ ये सिखाया जाता है कि ये महापरिवर्तन आना है और उसके बाद जो नई पवित्र सत्य श्रेष्ठाचारी जो दुनिया आ रही है, तो हमें अपने वर्तमान जीवन में जो भी मन वचन कर्म से करना है वो उस सत्य ज्ञान और मूल्यों को धारण करके करना है, और ही हमें वर्तमान के क्षण क्षण को अच्छे कार्य में लगाना है। इंसान को अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जो जरूरी प्रवृत्ति है, जिम्मेवारियां हैं, वो तो करनी ही है, उसके विनाश की तो बात ही नहीं है ना। बात सारी क्या है, जो हमारी नकारात्मक विध्वंसात्मक जो प्रवृत्तियां हमारी हो रही है मानसिक स्तर पर, वाचिक स्तर पर या कायिक स्तर पर, हमें उस रूप को चेंज करना है। विद्यालय ये नहीं कहता है, ईश्वरीय ज्ञान ये नहीं कहता है, आध्यात्मिकता ये नहीं कहती है कि आप अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं। जो कर्तव्य है जीवन के लिए वो तो करना ही है, परिवार संबंधों की जिम्मेवारियां तो हमें निभानी ही है, पर आज उसमें कितनी नकारात्मकता आ गई है, अनावश्यक व्यर्थ कितनी बातें आ गई है। हम तो व्यर्थ और अनावश्यक और नकारात्मकता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अन्य चीजों को छोड़ने की नहीं, लेकिन ये जो परिवर्तन है उन्हें करने की जरूरत है। इस विषय पे बस अंतिम प्रश्न दीदी, जैसे नास्त्रोदमस ने एक विजन देखा था कि हाँ इस सृष्टि का ऐसा ऐसा होना है, या अन्य भविष्यवक्ताओं ने, ये विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही इस बात को कहता आ रहा है कि एक महापरिवर्तन होना है, तो क्या यहाँ भी किसी ने ऐसा विजन देखा या परमात्मा ने कुछ ऐसा संकेत दिया, उस विषय पे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, हम कोई अपनी मन मत से या मन मर्जी से ये बातें नहीं कह रहे हैं। आपको ये सत्य पता होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कोई व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, परमात्मा के सत्य ज्ञान के आधार पर चल रही, और स्वयं परमात्मा हमें समय का इशारा देते हैं ताकि हम समय को पहचान कर समय से पहले सावधान हो जाए। मुख्य बात यह है कि समय के पहले सावधान होना है। भाई आग लगे तब तो हर कोई पानी लेके दौड़ता है, परंतु उससे उस समय कुआं खोदना नहीं होता है, समझदार इंसान पहले से प्रबंध रखता है। तो ये चीज है कि महापरिवर्तन की और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी पूर्व तैयारियां पहले से करनी है, और स्वयं परमात्मा ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और इस विद्यालय की स्थापना के जो निमित्त माध्यम है पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उनके जैसे अन्य अनेकों ने ये दिव्य साक्षात्कार भी किए, और लाखों ने अपने दिव्य बुद्धि के आधार से इस तथ्य को विवेक पूर्ण रीति से समझा, तब ये बातें कही जा रही। जी जी, मतलब साक्षात्कार भी हुआ और विवेक पूर्ण रीति से भी ये बात समझी गई है, तब ये बात कही जा रही है। दीदी चलिए, इनका जो अगला प्रश्न है वो भी कल हमारे पास था, जिनकी बात हम कर रहे थे, जैन साहब ने अपना ये प्रश्न हम तक प्रेषित किया था। आगे भी एक बात इन्होंने कही है कि आप ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं कि हमें स्वयं परमात्मा ने अपना सत्य ज्ञान दिया है, जबकि अनेक धर्म आत्माओं ने परमात्म ज्ञान के लिए अनेक कठोर तप किए, तो आपको यह प्राप्ति इतनी सहज कैसे हो गई? अंतिम सत्य स्वतः ही प्रकट होता है। ये एक ऐसी सत्य बात मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे आप धर्म क्षेत्र के तपस्वियों से पूछ लीजिए या वैज्ञानिकों के से पूछ लीजिए, कि इंसान खोज करता है, सत्य को पाने का प्रयास करता है, तो नेचुरली देखने में आता है कि वो कितने कठोर तप कर रहा है, दिन रात खोज में लगता है। एक वैज्ञानिक भी एक प्राकृतिक सत्य को उजागर करता है, तो
वो दिन रात उसमें लगा रहता है, पर अंतिम सत्य तो अचानक ही प्रकट होता है और तब वो जो खुशी में नाचने लगता है, जैसे कई वैज्ञानिकों के अनुभवों से आपने पढ़ा होगा उनके जीवन चरित्रों में जी। सेम अंतिम सत्य स्वतः प्रकट होता है, उसे ढूंढना नहीं होता है। हम नहीं जानते हैं तो हम ढूंढते हैं, पर जो सत्य है वो तो अपने आप ही लास्ट में प्रकट होता है। इसलिए सत्य परमात्मा, जिसको हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, वो परम सत्य भी स्वयं प्रकट होते हैं और सभी सनातन सत्यों का हमें ज्ञान देता है। तो आपको देखने में लगता है कि ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे सहज प्राप्ति कैसे हो गई, पर ये प्राप्ति तो स्वयं परमात्मा करा रहा है। और वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को नहीं, ब्रह्मा कुमारियों ने तो उन सत्यों को समझा, स्वीकारा और जीवन में लाया और दुनिया को अनुभव हम बता रहे हैं, पर वो सत्य तो स्वयं परमात्मा सबको भी बता रहे हैं उनके अपने माध्यम के द्वारा। हमें सत्य को परखना है, समझना है, इसलिए सहज प्राप्त हो गया, इसलिए महसूस होता है, क्योंकि खुद परमात्मा बता रहा है। अगर मनुष्यों के प्रयत्नों से ही आध्यात्मिक सत्य उजागर हो जाते थे तो आज इतने महात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म स्थापक हुए हैं, योगी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, पर फिर भी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संसार तो गिरता ही जा रहा है, क्योंकि अंतिम सत्य स्वयं परमात्मा आकर के बताए। एक बार एक प्रश्न उठता है कि ये परमात्मा ने यदि ज्ञान दिया भी तो कुछ इन सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों दिया, सारे संसार को क्यों नहीं दिया? वो तो यदि जैसे आप कह रहे हैं कि वो संपूर्ण सत्य हैं और अंत में आकर के वही ज्ञान देते हैं, तो ये थोड़ी सी ब्रह्मा कुमारियां क्यों, सारा संसार क्यों नहीं? ऐसा है कि सत्य को हर कोई पहली नजर से समझ नहीं पाता है। आज एक घटना बनती है तो सभी उसको यथार्थ रूप से कहाँ समझ पाते हैं, हर एक अपना अपना ओपिनियन बता है। घटना तो सबके सामने बनी, परमात्मा भी इस संसार के अंदर आया, जिस समाज के बीच में आया, उस समाज के सभी लोगों ने भी कहाँ परखा। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत तो कुछ लोगों से ही होती है और आज सारे विश्व में ये संदेश दिया जा रहा है, परमात्मा का ज्ञान सबके लिए है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वे ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते हैं। सभी धर्म, जाति, भाषा, आयु, प्रांत, देश के लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता तो हर आत्मा को स्पर्श करती है। तो ऐसा तो नहीं है लिमिटेड, हम तो सबको दे रहे हैं। आज टीवी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, क्यों लोगों को बता रहे हैं जी जी। पर जो समझेगा वो स्वीकारेगा, स्वीकारेगा वो अनुभव करेगा और उनके जीवन से दिखेगा। जो इस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं तो नेचुरली लगे वो नहीं इसमें रस लेते हैं या नहीं उस दिशा में उन्मुख होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता रहे, हम तो बता रहे हैं, वो गौर नहीं कर रहे हैं इस बात पर। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा कुमारियां अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ये बात कहती हैं कि भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। फॉलोअर्स यहाँ है ही नहीं, यहाँ कोई गुरु ही नहीं है जिसको फॉलोअर्स बनाना हो, यहाँ कोई कंठी बांधी नहीं जाती है, यहाँ ऐसी प्रथा ही नहीं है। यहाँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना है, किसी गुरु महात्मा के फॉलोअर बनने की बात ही नहीं है। हम कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बताने के बाद भी सत्य वो ही धारण करेगा जो धारण करना चाहेगा, न कि हमारे कहने से। अगर हमें सिर्फ फॉलोअर ही बनाने होते तो हम क्वालिटी लोगों के पीछे ही मेहनत करते ना, हम सबके पीछे क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो सिर्फ प्रचार प्रसार की बात नहीं है जी। आध्यात्मिकता कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो सबको पहना दिया जाए या हमारे कहने से कोई धारण कर लेगा, ऐसा नहीं है। बताया सबको जाता है, धारण वो ही करता है जो परखता है और रुचि रखता है। बिल्कुल, चलिए दीदी, लगता है कि अभिषेक जैन जी को और गहराई से इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, और इनके साथ साथ अन्य जो हमारे दर्शक हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठते हैं
वो भी जरूर इस विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि लगता है कि सत्य ज्ञान और परमात्मा इतने गूढ़ विषय हैं जिन पर तो जितनी गहन चर्चा की जाए उतना ही कम है। वक्त आज इतना इजाजत दे रहा है दीदी, कल पुनः हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, अध्यात्म और परमात्मा सचमुच बहुत ही गूढ़ हैं, जिन्हें समझना केवल मुझे लगता है कि शब्दों से नहीं समझा जा सकता, बाहरी चीज़ों से नहीं समझा जा सकता, अनुभव की चीज़ है। इसीलिए क्यों ना हम भी इस ओर एक कदम अवश्य बढ़ाएं और खुद भी अनुभव करने का प्रयत्न करें, क्योंकि व्यक्ति जब एक बार अनुभव कर लेता है तो अपने अनुभव के आधार पे ही वो बढ़ना शुरू कर देता है और उसके मार्ग खुलते चले जाते हैं। केवल दूर से एक ये सोचते रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो हम कई बार अच्छी चीज़ से भी वंचित रह जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए एक कदम अवश्य बढ़ाएं, प्रयास करके देखें, पुरुषार्थ करके देखें। हमारी अनुभूति स्वतः हमें प्रकाशित करेगी, हमारे जीवन को प्रकाशित करेगी और हम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।